the range of random variable. So that day you were there. Okay. First sum हम किए ये भी वैसे ही है जैसे टेबल रहता टेबल में पी और आर एक्स इज इक्वल टू एक्स आई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आई तो एक्स इज इक्वल टू एक्स आई में यहाँ जीरो है वन है टू है तो तीन कॉलम है जीरो का प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी इज थ्री सी क्यूब वन का ये है और टू का ये है तो स्टार्ट कैसे करते सम में सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू सो स्टार्ट सेम का तुम कर सकते हो थोड़ा इम्पोर्टेंट है मैं बता रहा हूँ सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू वन सो 3c क्यूब प्लस 4c माइनस 10c स्क्वायर प्लस 5c माइनस 1 इक्वल टू 1 अब इसको स्प्लिटिंग करके c क्यूब है तो c के तीन वैल्यूज आएंगे कितने आएंगे दो लेकिन डिस्कार्ड हो जाएंगे यानी वो पॉसिबल नहीं रहेंगे कैसे बताऊं मैं एक ही पॉसिबल रहेगा तो 3c क्यूब माइनस 10c स्क्वायर प्लस 9c माइनस 2 इक्वल टू 0 अभी सी ओरली वन लगा के देखो ट्रायल एंड एरर मेथड से वन लगाओ ये थ्री वन का ये नाइन वन का ट्वेल्व होता माइनस टेन माइनस ट्वेल्व माइनस जीरो सी वन लगाए तो जीरो आ रहा सो बाय ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं उसको जो सब्स्टिट्यूट करके चेक करते हैं ना बाय ट्रायल एंड एरर मेथड मेथड सी इज इक्वल टू वन अब c इज इक्वल टू 1 हो गया तो ये 1 से सिंथेटिक डिवीजन करना भाई सिंथेटिक डिवीजन c के और दो वैल्यू मिलेंगे सिंथेटिक डिवीजन भी कर सकते हैं डिवीजन भी कर सकते हैं पर डिवीजन लंबा होगा 1 से सिंथेटिक डिवीजन कैसे करते हैं कोएफिशिएंट्स लेते हैं c के और दो वैल्यू ढूंढना है ना 3 माइनस 10 9 माइनस 2 फर्स्ट में 0 लगाते हैं 3 प्लस 0 3 3 1 जा 3 माइनस 10 प्लस 3 माइनस 7 9 माइनस 7 2 0 अब इसको स्प्लिटिंग करते हैं तो 3c स्क्वायर माइनस 7c प्लस 2 इक्वल टू 0 स्प्लिटिंग करेंगे माइनस 6c माइनस c प्लस 2 इक्वल टू 0 3c कॉमन c माइनस 2 माइनस 1 कॉमन c माइनस 2 ये स्प्लिटिंग का मालूम ना 3c minus 1 तो c equal to 2 और c equal to 1 by 3 एक दो और तीन टोटल c के तीन वैल्यू है बट एक ही रह जाता है अब c की वैल्यू 1 और 2 नहीं चलेगी क्यों आई एम राइटिंग द रीजन यू अंडरस्टैंड c is equal to 1 और 2 is not possible since p of x is equal to 0 is greater than 1. Probability of x is equal to 0 ये है 3c क्यूब उसमें c की वैल्यू अगर मैं 1 लगा रहा हूँ तो 3 आ रहा है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 रहा ना इधर ही 3 आ रहा था फिर टोटल कराएंगे तो 1 से क्या हो जाएगा ज्यादा देखो मैं सम ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलता हूँ तो प्रोबेबिलिटी का सी की वैल्यू अगर मैं 1 लगाया तो 3 बन रहा फिर वो बनेगा ये बनेगा ऐड करूंगा तो वो 1 से ज्यादा मालूम है कि प्रोबेबिलिटी का टोटल ही 1 रहा ना तो ये 1 और 2 तो हम इसमें लगाए तो ग्रेटर देन होना रहा इसमें लगाए तो नहीं आ रहा शायद इसमें लगाया तो फिर ग्रेटर देन होना रहा ग्रेटर देन 1 अगर 1 में ही आ रहा तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी 1 कैसे रहेगा तो 2 भी नहीं पॉसिबल ये भी नहीं पॉसिबल देयरफॉर c is equal to 1 by 3 c तो मिल गया तो फर्स्ट बिट पूछा फाइंड वैल्यू ऑफ c c is 1 by 3 अब ये सेकंड बिट क्या बोल रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेट लेस देन 1 x लेस देन 1 में ये एक ही चीज है x लेस देन 1 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 करना यानी 3 c क्यूब करना c की वैल्यू मालूम 1 by 3 होल क्यूब तो 3 इक्वल 1 by 27, 1 by 9. The next question, probability of holomorph answers,
लेस देन और इक्वल टू टू, वन और टू के बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन इक्वल टू टू है तो टू वाला लेना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू टू यानी फाइव सी माइनस वन पूछा है, फाइव इंटू वन बाई थ्री माइनस वन, फाइव बाई थ्री माइनस वन टू बाई थ्री। और एक एक पूछा जीरो लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री, जीरो और थ्री के बीच में तो क्या क्या रहता, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस, ज़्यादा रहे तो प्लस करना, एक्स इज इक्वल टू प्लस थ्री भी रहता, बट हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री नहीं है तो उधर जीरो है इसका, बट ये है ये है। जीरो के पास इज इक्वल टू नहीं बोलते, जीरो नहीं लेना, जीरो और थ्री के बीच में बोला, अगर थ्री इक्वल भी बोला तो थ्री भी, तो एक्स इज इक्वल टू वन का है फोर सी माइनस टेन सी स्क्वायर फाइव सी माइनस वन और इसका जीरो है वन। इसका आंसर आया क्या अपने को नहीं पता ना है, वन बाई थ्री फाइव इंटू वन बाई थ्री इधर हाँ ठीक। अब लिखिए फोर बाई थ्री एन बाई नाइन प्लस टू बाई थ्री, फोर प्लस टू सिक्स बाई थ्री टू होता एटीन, एट बाई नाइन करो फिर और बताओ।